एचआर फार्मिंग यूट्यूब एंड फेसबुक पेज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम, आप सभी का स्वागत है वीडियो में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सब्जी फसलों की नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और बरसात के मौसम में सब्जी फसलों की नर्सरी तैयार करना आसान नहीं होता। मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी विधि द्वारा आप सब्जी फसलों की नर्सरी तैयार कर सकते हो और उसमें आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है पानी खड़ा हो जाता है तो सब्जी फसलों की नर्सरी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कोई भी सब्जी फसल की नर्सरी हो, जैसे मिर्च, टमाटर, बताऊ, फूल गोभी, प्याज, इन सभी सब्जी फसलों की नर्सरी आप तैयार कर सकते हो और मात्र 25 से 30 दिन के अंदर आपकी पौध तैयार हो जाएगी। तो किसान साथियों, मैं आपको इस वीडियो में सभी A to Z जानकारी देने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अभी तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जमीन को अच्छे तरीके से सुखाना है। अगर आप गिल्ली जमीन में नर्सरी तैयार करोगे तो वो खराब हो सकती है, इसलिए जमीन को पहले अच्छे तरीके से सुखाएं। जमीन सुखाने के बाद उसमें एक अच्छे से रोटावेटर मरवाएं, 2 से 3 बार रोटावेटर मरवाएं ताकि मिट्टी बिल्कुल बारीक हो जाए। उसके बाद जमीन से 3 इंच ऊंचे हमें बेड बनानी है। 3 इंच ऊंचे कहने का मतलब जमीन से उनका जो लेवल है वो 3 इंच होना चाहिए ताकि बरसात के मौसम में पानी पटड़ों के ऊपर खड़ा ना हो सके। एक पटड़े की साइज की बात करो तो उसकी जो लंबाई है वो 15 फुट से लेकर 20 फुट तक हो सकती है और चौड़ाई की बात करूं तो 2.5 फुट से 3 फुट चौड़े आप रख सकते हैं। एक क्यारी में 3 से 4 बेड या देसी भाषा में बोले पटड़े बना सकते हैं। उसके बाद उन्हें अच्छी तरीके से कूट लीजिए। कूटना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर फोली मिट्टी रहेगी तो उसमें जमीन ऊंची नीची हो जाएगी, हल्के हल्के खड्डे बन जाएंगे जो हमें पहले महसूस नहीं होंगे, लेकिन जब हम पानी उनमें देंगे तब हमें महसूस होंगे। और जहां पर पानी खड़ा होगा वहीं पर बरसात के मौसम में पौध खराब हो सकती है, इसलिए पटड़ों को अच्छे तरीके से कूट लीजिए। कूटने के बाद उन्हें एक्सार कर लीजिए, कस्सी के साथ एक्सार कीजिए। एक्सार करने के बाद जो हमें अगला काम करना है फट्टी लगाने का। दोस्तों फट्टी लगाने का बहुत बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूँ। जमीन एक्सार हो जाती है, कहीं पर भी ऊंची नीची नहीं रहती, वो खड्डे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, इसलिए फट्टी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फट्टी लगाने के बाद अगला काम जो हमें करना है चेरियां निकालने का। किसान साथियों, अगर आप छिड़क विधि द्वारा बीज को अपने पटड़ों के ऊपर छिड़कते हैं तो उसमें पूरा बीज नहीं उगता, 80 से 85% बीज ही उगता है। लेकिन अगर आप चेरी विधि द्वारा अपनी कोई भी सब्जी फसल की पौध बोते हो, बीज डालते हो, तो लगभग 99% बीज उगता है, क्योंकि सारा बीज जो है एक सियार गिरता है, एक लेवल पर गिरता है और उसमें एक लेवल पर पानी लगता है। इसलिए जितना हो सके चेरी विधि द्वारा ही आप पौध तैयार करें। कोई भी सब्जी फसल की हो, चाहे मिर्च हो, टमाटर हो, बताऊ हो, प्याज हो, फूल गोभी हो, चेरी विधि द्वारा ही पौध तैयार करें। इसके बाद अगला जो काम करना है बीज डालने का। बरसात के मौसम में बीज हमें ज़्यादा गहरा भी नहीं डालना और ज़्यादा खुला भी नहीं डालना, बिल्कुल मध्यम साइज का बीज हमें डालना है। बीज डालने के बाद हमें बिल्कुल सूखा हुआ बारीक खाद लेना है, गोबर का खाद होता है, बिल्कुल सूखा हुआ बारीक खाद, उसको आप पटड़ों के ऊपर छिड़क दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि कितनी मात्रा में छिड़कना है। किसान साथियों, अगर आप ज़्यादा खाद छिड़केंगे तो आपका बीज ज़्यादा ढक जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा खाद चढ़ जाएगा, उसमें बीज उगेगा नहीं। लेकिन आप कम खाद डालोगे तो आपका बीज नहीं उगेगा, क्योंकि वो बीज ऊपर दिखेगा, इसलिए मध्यम साइज का ही खाद आपको डालना है। अगर आप ज़्यादा खाद डालेंगे तो उगेगा नहीं और कम डालेंगे तो जो है बीज ऊपर रह जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक मध्यम खाद आपको डालना है। खाद डालने के बाद उन पर जुट की जो बोरियां होती है, खड़ की बोरियां हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो भैंस पशु रखते हैं वे खड़ की बोरियां जरूर लाते होंगे, और जुट की बोरियों को 2 साइड से काटकर चौड़ी कर लीजिए और बेड के ऊपर उनको डाल दीजिए। डालने के बाद जो अगली प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बरसाती मौसम में ये प्रोसेस आप अपनाते हो तो आपको 100% फायदा होगा और 101% बीज उगेगा। किसान साथियों, कोई भी आपका बीज खराब नहीं होगा। आप फुहारा विधि द्वारा उनमें पानी दीजिए।
जी हाँ दोस्तों, फुहारा विधि द्वारा आप उनमें पानी लगाए मत, लगाने की मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, केवल फुहारा विधि द्वारा ही पौध बोए। फुहारे को इस हिसाब से सेट कर ले कि जो उसमें ज़्यादा पानी पड़े और पानी से पूरी जो बोरियाँ हैं वो अच्छे तरीके से गीली हो जाए और बोरियों के नीचे भी पानी अच्छे तरीके से रम जाए ज़मीन में। आपको इतनी बोरियाँ गीली करनी है। पानी जब जमीन में अच्छे तरीके से रम जाए, आप बोरी हटाकर आंगली के साथ दबा के देखिए ताकि अच्छे तरीके से जो पानी आपको रमा हुआ मिले, तभी आपको जो है अगले पटड़े पर ये प्रोसेस अपना, अभी पटड़ों पर आपको ये प्रोसेस अपनानी है। इसके बाद तीसरे दिन आपको बोरी हटा देनी है। तीसरे दिन शाम को या चौथे दिन सुबह आपका 100% बीज उग जाएगा। तो किसान साथियों, ये प्रोसेस आप अपनाते हो तो बरसात के मौसम में आपकी 1% भी नुकसान नहीं होगा और 100% की 100% आपकी पनीरी, आपकी जो नर्सरी तैयार होगी और 25 से 30 दिन के अंदर आपकी पौध तैयार हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।